को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, ये लहसुन 4-5 कलियाँ, 2 हरी मिर्च या 3, थोड़ा सा अदरक। ये सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने ये मूंग की दाल ली है लगभग 1/4 कप और 2 टेबल स्पून चने की दाल। इसको मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। इसको भी पानी में से निकाल कर मिक्सी जार में डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों का बिना पानी डाले हमें पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने सारी चीज़ों का बारीक पेस्ट बना लिया है। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मैंने यहाँ पे एक थाली ली है, इसमें मैं यहाँ पे 2 कप चावल का आटा ले रही हूँ। आपके पास जो भी कटोरी या कप हो आप उसी से नाप कर लीजिएगा। ये मेरा 2 कप चावल का आटा हो गया। ये आटा हमारा लगभग आधा किलो के लगभग है। ये इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद वाली तिल। आपके पास काली तिल हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये 1/4 चम्मच मंगरैल, इसे हम काला जीरा ही बोलते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 15 से 16 पत्ते करी पत्ता ले लिए हैं। इसे हम काट कर डाल देते हैं इसमें। आज मैं ये चावल और दाल की मठरी बना रही हूँ। इससे पहले मैंने मैदे की मठरी सेव कर चुकी हूँ। आप उसे आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। धनिया पत्ती, यहाँ पे मठरी को बिल्कुल कुरकुरी और क्रिस्पी बनाए रखने के लिए मैंने यहाँ पे गरम घी लिया है। लगभग ये 3 बड़े चम्मच घी है, इसे डाल देते हैं। अब घी के स्थान पर तेल जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा है उसे भी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक या अपने स्वाद के हिसाब से। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे गूंथना है। तो गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गुनगुना पानी लिया है। इसे गुनगुने पानी से ही गूंथना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे न बहुत ज़्यादा कड़ा गूंथना है न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इसे हम गूंथ लेंगे। लीजिए दोस्तों, यहाँ मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से मेरा 1/2 कप से भी कम पानी लगा है। यहाँ मेरा आटा न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है न बहुत ज़्यादा कड़ा है। हम इसे बनाना शुरू करते हैं मठरी को। तो आज इस मठरी को हम बेल कर नहीं बनाएंगे, इसे पापड़ की तरह बनाएंगे। जैसे हम होली के समय पापड़ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक ली है, यहाँ चॉपिंग बोर्ड पर इसे फैला देंगे और इसमें हम तेल लगा देंगे इसके ऊपर। मैंने यहाँ पे पूरी प्लास्टिक में अच्छे से तेल लगा लिया है। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया। आप चाहें तो बटर पेपर भी ले सकते हैं। हम आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। ये मैंने 1 लोई को बना लिया है, इसको इसके ऊपर रख देते हैं। 3-4 लोइयों का हम साथ में बनाएंगे। इसके ऊपर हम ये प्लास्टिक बिछा देंगे। इसको चाहे हाथ से फैलाइए चाहे कटोरी से। यहाँ पे कटोरी भी है, इससे हम करके इसे पतला कर देते हैं। देखिए इसको मैंने बिल्कुल पापड़ की तरह कर लिया है। धीरे से उठाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। ऐसे ही हम सारी मठरी को बना लेंगे। हम मठरी को तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे तेल को गर्म कर लिया है। उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम पे कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही मठरियों को डाल देते हैं। फ्लेम में डालने के बाद इसे तुरंत नहीं पलटेंगे, नहीं तेल टूट जाएंगी। थोड़ी देर बाद हम इसे पलटेंगे।
ये हमारी मठरियाँ दोनों साइड से अच्छे से सिक चुकी हैं। हम ये निकाल लेते हैं बर्तन में। देखिए कितनी गोल्डन ब्राउन हो गई है ये। ऐसे ही हम सारी मठरियों को तल लेंगे। दोस्तों ये मेरी क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही स्पाइसी चावल दाल की मठरी बनकर तैयार है।